Previous house plan, and now start this plan. This is column, okay, and this is column, okay, and this is column, 10 inch to 12 inch wide column, okay, this is column, and now this is column. Okay, now this is column. तो उसके बाद हम इसका 5 इंच का वॉल जहाँ पर है वहीं पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे. ठीक है, देखिए इधर इंटरनल पार्टीशन वॉल भी है 125 mm का. ओके, इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल, इधर इंटरनल पार्टीशन वॉल, इधर इंटरनल पार्टीशन वॉल 125 mm, और इधर फ्रंट साइड है. इसमें देखिए हमने यहाँ पर भी रखा है 125 mm, 5 इंच का वॉल, और फ्रंट में हमने ऐसे रखा है. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रूम है. इस रूम का एक देखिए यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल, आउटर पार्टीशन वॉल 125 mm का है, और यहाँ पर जो विंडो है वो भी हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ पर ज़रूरी है, इसलिए हमने वेंटिलेशन और इंटरनल पार्टीशन वॉल जो है डोर हमने यहीं पर रखा है ठीक से. ओके, इधर उसके बाद हम इसका देखिए इधर एक इंटरनल पार्टीशन वॉल. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो विंडो का पोजीशन है देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो देखिए ऐसे जा रहा है स्टेयर, उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है. इधर भी ऐसे हाईलाइट करना है, इधर 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 आएगा, उसके बाद इधर. ओके, और इसके बाद इधर. ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर जो डोर है उसको हम यहाँ पर ऐसे हाईलाइट करेंगे. यहाँ पर ऐसे हाईलाइट करना है डोर को, तो डोर जो है ऐसे जो है इस दिशा में इसको ओपन होना होना है, इसलिए हमने ऐसे रखा है. तो जिस दिशा में ओपन हो जाएगा उस दिशा में हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, और यहाँ पर आएगा ऐसे, यहाँ पर आएगा ऐसे. ओके, हाँ, उसके बाद हम जाएंगे इसका डिटेल ड्राइंग्स पर. 28 feet 0 inch इसका एक साइड में, और एक साइड में इसका 32 feet. ओके, और इसके हिसाब से हमने इसको बनाया है. देखिए 28 feet into 32 feet साइज है इसका. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा फ्रंट में विंडो, तो पोजीशन वाइज आपको विंडो का ऑप्शन नहीं मिला है, तो आपको ऑप्शनल विंडो या डक्ट का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा. तो हम स्टार्ट करेंगे इसका एंट्री इधर से, एंट्री, और यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे इसका जो है ऐसे गेट, यहाँ पर हमने ऐसे प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर एक ड्राइंग एरिया हम यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो एरिया का डिस्टेंस है यहाँ पर 12 feet, और इधर 9 feet 4 inch. ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक डोर प्रोवाइड किया है, जो डोर के वाइज यहाँ पर हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है.
यहाँ पर एक बेडरूम, तो बेडरूम का जो इधर डिस्टेंस 10 फीट और इधर जो डिस्टेंस है 9 फीट 4 इंच। ओके, नेक्स्ट देखिए, इधर हम एक ओपनिंग रखा है, इस ओपनिंग से यहाँ पर ओपन, तो इस ओपन से हम जाएंगे अंदर, यहाँ पर आएगा डाइनिंग एरिया, तो डाइनिंग टेबल यहाँ पर है, यहाँ पर डोर, यहाँ पर आएगा किचन, जो किचन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उसके देखिए पास में यहाँ पर हमने एक विंडो प्रोवाइड किया है, तो किचन यहाँ पर आएगा 6 फीट और इधर आएगा 7 फीट। ओके, डाइनिंग एरिया जो है इधर 8 फीट 4 इंच और इधर आएगा 11 फीट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर एक डोर आएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो है एक विंडो इधर, तो इस विंडो जो है इधर एक बेडरूम, तो यहाँ पर बेड भी हमने रखा है देखिए इंटीरियर में, तो यहाँ पर जो है इसका 12 फीट और इधर जो है डिस्टेंस 11 फीट। ओके, यहाँ पर डोर, यहाँ पर टॉयलेट, टॉयलेट तो यहाँ पर आएगा 4 फीट और यहाँ पर 4 फीट 7 इंच, तो यहाँ पर एक वेंटिलेशन हमने रखा है इसे, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको डक्ट इस्तेमाल करना होगा डक्ट का, यहाँ पर भी एक वेंटिलेशन, यहाँ पर एक विंडो, ओके, यहाँ पर एक वेंटिलेशन, यहाँ पर विंडो। ओके, नेक्स्ट देखिए बेडरूम 1, यहाँ पर बेडरूम 2, यहाँ पर एक और एक बेडरूम, ओके, तो इस दिशा में इसको 12 फीट इस साइड में और एक साइड में इधर जो है 10 फीट, यहाँ पर डोर, यहाँ पर टॉयलेट, जो इस दिस साइड में 4 फीट और इस साइड में 5 फीट। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आपका पोजीशन मिलेगा 3 फीट 6 इंच वाइड का, तो इधर से आएगा इसका 3 फीट वाइड और इधर आएगा 3 फीट वाइड। ओके, तो इधर से आप हो जाएगा स्टेयर, तो इधर से एक डोर आएगा जो है इधर कॉमन बाथ प्लस लैट्रिन का पोजीशन आएगा, तो यहाँ पर हम 4 फीट 6 इंच और इधर 8 फीट का एक कॉमन बाथ एंड डब्ल्यूसी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्लान हमने अभी दिखाया है इस प्लान के वाइज यहाँ पर हमने, तो उसके बाद यहाँ पर जो आउटर वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल और यहाँ पर जो इधर भी वॉल आउटर वॉल 5 इंच वॉल और इंटरनल जो वॉल है इसका यहाँ पर भी 5 इंच वॉल हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, और कॉलम का जो मार्क यहाँ पर हमने किया है तो 10 इंच इंटू 12 इंच का यहाँ पर हमने कॉलम प्रोवाइड किया है, जो ऑल कॉलम यहाँ पर जो है ऑल कॉलम साइज 10 इंच इंटू 12 इंच। ओके, और टोटल स्क्वायर फीट 28 इंटू 32, तो इसका टोटल स्क्वायर फीट देखिए आप यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 28 इंटू 32
896 स्क्वायर फीट, और इसके साथ अगर हम 1250 रुपीस पर स्क्वायर फीट में इंटू करेंगे इजिकल टू 1250, तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा 11,20,000 रुपीस। यहाँ पर इसका टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट। तो इस प्लान को अगर अच्छे लगे और प्लान का जो कॉस्ट हमने किया है, जो यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और कुछ कोई भी कुछ मॉडिफिकेशन है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।